हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है कि आप सबका मैथ्स का पेपर बहुत अच्छे से गया होगा। अब है साइंस सब्जेक्ट, सारा कुछ भुलाकर अब आप साइंस सब्जेक्ट पे फोकस करोगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कार्बन कंपाउंड इन वन शॉट, यानी कि वन शॉट में कार्बन कंपाउंड के जितने भी सिलेबस में हमारे टॉपिक्स हैं उन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। इसके रिगार्डिंग हमने 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बना रखे हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। एक बार जरूर चेक कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे सैंपल पेपर को एनालाइज करने के बाद वो हमने 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बना रखे हैं। साथ ही साथ और चैप्टर के भी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, जिसका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, एक बार आप डिस्क्रिप्शन खोलोगे आपको मजे आ जाएंगे। केस बेस्ड प्रॉब्लम में, केस बेस्ड स्टडी में अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेंगे। वहां पे हम आपको बहुत सारे केस बेस्ड प्रॉब्लम दे देंगे, जिसे आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब चलिए बहुत बकवास बातें हो गए, आते हैं हम लोग अपने चैप्टर में। ठीक है, तो इस जो कार्बन है, हालांकि यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी आपको वन शॉट में बस देख लेने हैं। क्या है कार्बन? एक एलिमेंट है, आपको पता है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो अ नॉन मेटल, हमें पता है नॉन मेटल होता है। द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट इज 0.02%। ठीक है, अर्थ क्रस्ट में जो कार्बन प्रेजेंट होता है वो होता है 0.02%। साथ ही साथ 0.02% जो 0.03% जो होता है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। किस फॉर्म में? तो इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। याद रखियो इस बात को, ठीक है, कि 0.02% अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होता है, 0.03% एटमॉस्फेयर प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑल लिविंग थिंग्स प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, सारा का सारा लिविंग थिंग्स जो है, चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल्स हो, वो कार्बन से ही मिलकर बना होता है या फिर उसके बेस्ट कंपाउंड से मिलकर बना होता है, जिसे हम लोग नॉर्मली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। यानी कि कार्बन बेस्ड जितने भी कंपाउंड्स आपको देखने को मिलेंगे, उन सारे कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगर हम लोग डेली लाइफ में देखें तो जो हम लोग पल्सेस खाते हैं, जो ग्रेन्स खाते हैं, जो शुगर हमारे पास होता है, जो टी हम लोग टेक करते हैं, ठीक है, सिल्क होता है, वूल होता है, नाइलोन होता है, एलपीजी होता है, ये सारे के सारे एग्जांपल है कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स के, यानी सबका फॉर्मेशन हुआ है कार्बन से। ठीक है, तो ये थे कार्बन के कुछ इंपोर्टेंट इंट्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। नेक्स्ट है हमारा, दैट इज कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, कार्बन जो है हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। अभी कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है? द बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा बॉन्ड जो इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण फॉर्म्ड होता है उसे हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम लोग देखें, एग्जांपल के लिए तो हमारे पास एग्जांपल है, दैट इज मीथेन, है ना, मीथेन, जिसका फॉर्मूला होता है CH4। आप याद करके रख लोगे क्या होता है मीथेन का फॉर्मूला, CH4। ठीक है, इसमें अगर आप देखें कार्बन को, तो कार्बन के सराउंडिंग में कितने हैं? 4 हाइड्रोजन है, तो इस टाइप से हमने हाइड्रोजन 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 लिख दिया। ठीक है, अच्छी बात है। अब आपको पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? 2.4, यानी कि इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। यानी कि इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जिसको हम लोग डॉट के थ्रू शो कर रहे हैं। और आपको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसको हम लोग क्रॉस के थ्रू शो कर रहे हैं। ठीक है, क्रॉस के थ्रू शो कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात? बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटा दें? हाँ, चलिए मिटा देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ जो ये बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है। उसी टाइप से यहाँ पे जो बॉन्ड बना है उसमें एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है। उसी टाइप से यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा और यहाँ पर हाइड्रोजन होगा। तो ये जो बॉन्ड हुआ इसको हम लोग बोलेंगे CB, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, क्यों कोवेलेंट बॉन्ड बोल रहे हैं? क्योंकि इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अच्छी बात है, समझ में, यह पार्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, याद रखिएगा, हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। एक आपने सुना रखा होगा, दैट इज आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, है ना, ये आपके कानों में कभी ना कभी गया होगा। उसके बारे में थोड़ा सा आप यहाँ पे समझ लोगे कि आयोनिक बॉन्ड होता क्या है। तो जितने भी कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं क्या बनाते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड्स हम लोग बनाते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? आयोनिक कंपाउंड्स वैसे कंपाउंड्स होते हैं जो आयन के फॉर्म में हम लोग का आयोनाइज्ड होते हुए हमें देखने को मिलते हैं। जैसे हमारे पास NaCl है,
NaCl है। तो इसमें क्या होता है कि Na जो होता है एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज करता है और Na प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, साथ ही साथ Cl जो है एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। जब इस टाइप का होता है, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ साथ हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाए तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होगा कि Na इधर है, Cl इधर है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, होता है ना। एटॉमिक नंबर कितना होता है क्लोरीन का, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो 2, 8 और 7, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन। सोडियम का होता है 11, सोडियम का होता है 11, यानी कि 2, 8, 1, यानी कि इसके पास कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को अगर इसे दे दे तो ये क्या होता है, स्टेबल कॉन्फिगरेशन हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं इनर्ट कॉन्फिगरेशन, ठीक है। तो इसके लिए ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, जिसके कारण इस पे आ जाता है प्लस चार्ज, और क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा गेन किया है इसलिए इसके ऊपर आ जाता है माइनस चार्ज, और इस टाइप से NaCl का फॉर्मेशन होता है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन, जब एक इलेक्ट्रॉन एक डोनेट करे और दूसरा एक्सेप्ट करे, उस टाइम जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है दैट इज उसको हम लोग बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड, और जब इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसे हम लोग बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। आई होप कि कोवेलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड के बीच में डिफरेंस क्या है ये पार्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आपने एक ये भी पार्ट सुना होगा कि कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंट होता है, क्या मतलब है उसका, आइए समझते हैं। उससे पहले फटाफट से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है, मिटा दे, 1, 2, 3 लेट्स गो, ठीक है। देखिए यहाँ पे समझेंगे कि कैसे हम लोग बोलते हैं कि कार्बन जो होता है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कार्बन आर या कार्बन इज टेट्रावेलेंट, कार्बन इज टेट्रावेलेंट, है ना, टेट्रावेलेंट। अब टेट्रा का मतलब होता है 4, टेट्रा का मतलब होता है 4, और वैलेंट का मतलब होता है वैलेंसी, क्या मतलब होता है, वैलेंसी, यानी कि इसका 4 वैलेंसी होता है, टेट्रा वैलेंसी क्यों होता है। तो अगर कार्बन का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो एटॉमिक नंबर 6 होता है, ये 2 होता है और ये 4 होता है, जिसके कारण जिसके कारण क्या होता है, आप देख रहे हो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। अब ऐसे में क्या करता है, ऐसे में क्या होता है, देखिए क्योंकि कार्बन के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये तो या तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, है ना। अगर आप देखो कार्बन को तो कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन और गेन कर ले, क्या कर ले, 4 इलेक्ट्रॉन और गेन कर ले, जिसके कारण इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जो कि एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा, है ना। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा, स्टेबल कब होता है, जब या तो 2 हो जाए यानी ड्यूप्लेट कंप्लीट कर ले, या तो ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके 8 इलेक्ट्रॉन बना लिया, पहले से 4 था, 4 इलेक्ट्रॉन और गेन कर लिया तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, अब ये स्टेबल हो चुका है, स्टेबल हो चुका है, ठीक है। और या फिर इसका दूसरा रूल है कि ये क्या करे कि क्योंकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करे कि अपने 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, क्या करे, अपने 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, तो क्योंकि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन था, 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, अब इसके पास बचा कितना, 2 ही इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो भी ये क्या हो गया, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गया, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गया, है ना, समझ रहे हो मेरी बात को। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 2, 4, इसने 4 इलेक्ट्रॉन गेन किया, 8 इलेक्ट्रॉन बन गया, तो इसमें क्या हुआ, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, या तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो डुप्लेट अपना कंप्लीट कर ले, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा। लेकिन दोनों ही केस में एनर्जी बहुत ज्यादा लॉस होता है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करना और 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करना, ठीक है, तो अगर 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो एनर्जी जो होता है बहुत ही ज्यादा अमाउंट में एनर्जी निकलता है, और अगर 4 इलेक्ट्रॉन को हमें डोनेट करना है तो बहुत ज्यादा एनर्जी हमें सप्लाई करना पड़ता है। तो दोनों ही केस जो होता है वो बहुत ही रेयर होता है, यानी नहीं के बराबर होता है, हम लोग ऐसा नहीं करते। वैसे केस में कार्बन जो है हम लोग नहीं करते, मतलब कार्बन नहीं करता, ठीक है। तो वैसे केस में कार्बन क्या होता है कि एक दूसरे के साथ शेयर करना शुरू कर देता है अपने इलेक्ट्रॉन को, यानी कि इसका मतलब है ना तो हम किसी को देंगे ना तो हम किसी से लेंगे, हम क्या करेंगे, शेयर करेंगे, यानी कि तुम भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दो, हम भी तुमको अपना एक इलेक्ट्रॉन देते हैं, हम लोग शेयरिंग करेंगे और क्या फॉर्मेशन करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, समझ में आ रही है बात, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और इस टाइप से वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बना देता है। तो इस टाइप से अगर क्वेश्चन आ जाएंगे कि कार्बन कैसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनाता है, तो आपको लिखना होगा कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, क्योंकि अगर वो गेन करेगा 4 इलेक्ट्रॉन तो वैसे में बहुत ही ज्यादा अमाउंट में एनर्जी लॉस हो सकती है, अगर वो एक्सेप्ट करेगा लूज करेगा तो ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज हो सकती है, एक्सेप्ट करेगा
गेन करेगा तो ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो सकती है, तो इसीलिए वो क्या करता है, शेयरिंग करता है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, जो हाँ कि आपने एग्जांपल देखा था ये CH4, इसने हाइड्रोजन के साथ क्या किया था, हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर किया था। ठीक है, समझ रहे हैं यहां तक बात। चलिए फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज रीजन फॉर द लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, है ना। हमें जो है लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखने को मिलता है, उसका रीजन क्या है। तो यही दो टॉपिक्स है ना जो पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बढ़ाकर रख दिए हैं। और जो अगर आप 11th में केमिस्ट्री लेते हो तो जो बहुत सारा वेस्ट, मतलब एकदम पूरा खतरनाक पार्ट आपको देखने को मिलेगा ना, उसका रीजन यही दोनों है, कैटेनेशन और टेट्रावेलेंसी। एकदम याद करके रख लियो, कैटेनेशन क्या होता है, कैटेनेशन का अगर हम लोग दूसरा मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है सेल्फ लिंकेज, यानी कि अपने साथ ही लिंकेज बनाना शुरू कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब हुआ कि कार्बन जो होता है वो कार्बन के साथ ही, कार्बन जो है वो कार्बन के साथ ही लिंक हो जाता है। ठीक है, वो चेन के फॉर्म में लिंक हो सकता है, इस टाइप से स्ट्रेट चेन के फॉर्म में लिंक हो सकता है, वो कभी कभी ब्रांच भी बनाता है। ब्रांच इन द सेंस क्या हुआ सर, ब्रांच इन द सेंस हुआ कि इस टाइप से भी बनाना शुरू कर देगा, इस टाइप से भी बनाना शुरू कर देगा। एक तो स्ट्रेट लाइन में भी जाएगा, ऊपर से ब्रांचिंग भी शुरू कर दिया, तीसरा तो और खतरनाक है, वो आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बनाएगा। यानी कि इस टाइप का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा। ठीक है, साथ ही साथ इस टाइप का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर भी वो बनाता है, यानी कि साइक्लिक स्ट्रक्चर भी वो बनाता है। और यही जो होता है कैटेनेशन के कारण, इसे ना बहुत ही ह्यूज बना देते हैं। ये एक्चुअली में होता क्या है कि कार्बन एटम कैन लिंक विथ वन अदर बाय मींस ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड टू फॉर्म द लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम, है ना। वो क्या करेंगे, वो आपका स्ट्रेट चेन भी बनाएंगे, वो आपको ब्रांच्ड चेन भी बनाएंगे, साथ ही साथ वो क्या करते हैं वो आपके इस टाइप से क्लोज चेन, जिसे हमें साइक्लिक स्ट्रक्चर बोलते हैं, इस टाइप का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, सारी बातों को आप याद रखोगे। नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज टेट्रावेलेंसी। टेट्रावेलेंसी क्या होता है कि कार्बन को अगर आप देखो तो इसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2.4। ठीक है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है। और टेट्रावेलेंसी का मतलब होता है, टेट्रा मतलब होता है 4, और वैलेंसी मतलब होता है हमारा, वैलेंसी मतलब क्या होता है, सॉरी टेट्रावेलेंसी, वैलेंसी मतलब तो वैलेंसी होता ही है, तो इसके कितने हैं, 4 वैलेंसी होते हैं, 4 वैलेंसी होते हैं, जिसके कारण ये 4 और भी इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या करता है, शेयरिंग कर देता है, जिसके कारण ये क्या करता है, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। और इनके कारण, इन दोनों के मिल जाने के कारण मिलियंस ऑफ मिलियन से भी ज्यादा आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, मिलियन से भी ज्यादा कंपाउंड देखने को मिलेंगे कार्बन के। ठीक है, यही रीजन है। उसके साथ साथ यही तक नहीं रुकता कार्बन, है ना, कैटेनेशन कर रहा था, टेट्रावेलेंसी कर रहा था, लेकिन टेट्रावेलेंसी में ऐसा ही नहीं है कि केवल कार्बन जो है वो कार्बन के साथ ही लिंक होगा, वो हाइड्रोजन के साथ भी लिंक हो सकता है, वो ऑक्सीजन के साथ भी लिंक हो सकता है, वो नाइट्रोजन के साथ भी लिंक हो सकता है, वो सल्फर के साथ भी लिंक हो सकता है, वो क्लोरीन के साथ भी, ब्रोमीन के साथ भी, आयोडीन के साथ भी लिंक हो सकता है। मतलब देख सकते हो, माथा खराब कर दे रहा है ये कार्बन हमारा। ये तो पहले तो खुद में लिंक किया, फिर ब्रांच्ड भी बनाया, फिर साइक्लिक भी बना दिया। ठीक है, फिर आप अल्टरनेट देखोगे, बेंजीन का स्ट्रक्चर देखोगे, इस टाइप ने आपने देख रखा होगा, बेंजीन का स्ट्रक्चर है ना, अल्टरनेट इस टाइप से डबल बॉन्ड बनाता है, तो इस टाइप के प्रोडक्ट का भी फॉर्मेशन करता है। साथ ही साथ ऑक्सीजन के साथ भी कर लेता है रिएक्शन, ठीक है, नाइट्रोजन के साथ भी, सल्फर के साथ भी, क्लोरीन के साथ भी, ब्रोमीन के साथ भी, आयोडीन के साथ भी, हाइड्रोजन के साथ भी, मतलब पूरा माथा खराब कर देता है। लेकिन याद रखना है कि लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से दो प्रॉपर्टी के कारण आते हैं, तो ये याद रखना है, कैटेनेशन और दूसरा हमारा टेट्रावेलेंसी, याद रहेगा ना, अच्छी बात है। फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट है हमारा, डेट इज एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स एक्चुअली होता क्या है, तो वेरियस फिजिकल फॉर्म इन विच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट, है ना, अलग अलग फिजिकल फॉर्म जिसमें एक एलिमेंट जो एग्जिस्ट करता है, वही उसका एलोट्रॉप्स होता है। जैसे कार्बन जो होता है 3 एलोट्रॉप्स के फॉर्म में पाया जाता है, एक होता है डायमंड, एक होता है ग्रेफाइट, और तीसरा होता है बकमिंस्टर फ्लोरेसेंस। ठीक है, बकमिंस्टर फ्लोरेन, ठीक है, ये जो होता है वो हाल फिलहाल खोजा गया था, अर्लियर में खोजा गया था। अगर ये दोनों आप देखो तो ज्यादातर बुक में, अगर पुराने बुक में आप देखोगे तो डायमंड और ग्रेफाइट ही आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो है वो नॉर्मल है आपके, ठीक है, मतलब एक्चुअली इसी फॉर्म में पाया जाता है, ये जो है हाल फिलहाल में खोजा गया है, लेकिन आपको इसको भी याद रखना है, ऐसा नहीं कि नहीं याद रखना है। सबसे पहले आता है डायमंड में। डायमंड क्या होता है,
तो पहला है कि डायमंड इज अ कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस हैविंग द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस। ब्रिलियंस का मतलब होता है चमक। आप देखते हो कि डायमंड में कितना ज्यादा चमक होता है, बहुत ही ज्यादा चमक होता है, ठीक है। डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, याद रखना आपको कि जो डायमंड होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। इसका स्ट्रक्चर आपको नहीं पढ़ना है और ना ही कभी आता है कि स्ट्रक्चर बनाइए डायमंड का। अगर आप देखना चाहो तो बस ये चीज याद रखो कि हर एक कार्बन जो होता है चार कार्बन के थ्रू कनेक्टेड होता है, ठीक है। हर एक कार्बन जो होता है वो चार कार्बन के थ्रू कनेक्टेड होता है, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है, अच्छी बात है। फिर इसका यूजेस देखें तो हमारे पास है कटिंग इंस्ट्रूमेंट लाइक ग्लास कटर, इसका यूज किया जाता है ग्लास कटर के फॉर्म में। साथ ही साथ रॉक ड्रिलिंग इक्विपमेंट आता है उसमें भी इसका यूज किया जाता है। फॉर मेकिंग ज्वेलरी, ज्वेलरी बनाने में तो इसका यूज किया ही जाता ही है, ठीक है। टू रिमूव कैटरैक्ट फ्रॉम आई, ठीक है, यानी कि इसका यूज जो है वो कैटरैक्ट करने में इसका मेनली यूज होता है, आई सर्जन करते हैं, ठीक है। एक शार्प एज डायमंड होता है, अगर कभी आपने देखा होगा तो आप सर्च भी कर सकते हो नॉर्मली, और शार्प एज्ड डायमंड, ठीक है, नाइफ उसको हम लोग बोलते हैं, शार्प एज्ड नाइफ भी बोलते हैं, जिसमें डायमंड का यूज किया जाता है और इसका यूज किया जाता है कैटरेक्ट को रिमूव करने के लिए, ठीक है। तो ये था डायमंड के बारे में। नेक्स्ट हम लोग स्लाइड में देखेंगे ग्रेफाइट के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट एलोट्रॉप्स है लाइक ग्रेफाइट, ठीक है। सेकेंड हमारा है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट जो होता है ग्रेइश ब्लैक ओपेक सब्सटेंस होता है, ठीक है। इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। अगर इसका स्ट्रक्चर जो हालांकि ऐसा इंपोर्टेंट नहीं है, स्ट्रक्चर कभी पूछे नहीं जाते हैं, तो जैसे कि आपने अभी डायमंड में देखा था कि वो टोटल कितने बॉन्ड बनाता है, चार बॉन्ड बनाता है, जिसके कारण चारों बॉन्ड जो होता है वो आपस में क्या होता है कि बहुत अच्छे से कॉम्पैक्ट फॉर्म में होता है। लेकिन अगर ग्रेफाइट में देखें तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखोगे तो केवल तीन ही बॉन्ड वो बनाता है, एक इलेक्ट्रॉन जो होता है इसके पास फ्री होता है, और यही फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो यही फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मूव करता रहता है, जिसके कारण ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। अब आते हैं इसके यूजर्स पे, इसके यूजर्स क्या है? तो पाउडर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है एज अ लुब्रिकेंट, ठीक है, याद रखोगे। सेकेंड है फॉर मेकिंग कार्बन इलेक्ट्रोड्स और ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स। आगे के चैप्टर पे जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड भी होता है, ठीक है, इन ड्राई सेल्स एंड इलेक्ट्रिकल आर्क, है ना, ड्राई सेल्स में इसका यूज किया जाता है। फिर नेक्स्ट है ड्राई सेल्स होता क्या है, तो ये क्लास 12th का टॉपिक है, वहां पे आप अच्छे तरीके से उसको समझोगे। फॉर मेकिंग द कोर्स ऑफ आवर पेंसिल कॉल्ड पेंसिल लिड्स, और आपको पता है कि पेंसिल का जो लिड्स बना होता है वो भी बना होता है किसका, ग्रेफाइट का ही बना होता है। तो ये था ग्रेफाइट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। नेक्स्ट हमारा थर्ड है, चलिए उसे नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। थर्ड है हमारा दैट इज बकमिंस्टर फ्लोरीन, ठीक है। ये क्या होता है, हालांकि यहां से क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, क्या है, इट कंटेन क्लस्टर ऑफ 60 कार्बन एटम्स ज्वाइनिंग टुगेदर टू फॉर्म द स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स। ये जो होता है इसका शेप अगर आप देखोगे तो ये इस फुटबॉल शेप का आपको देखने को मिलेगा, है ना, बहुत खतरनाक हमने फुटबॉल बनाया है, इसे आप मैनेज कर लोगे, है ना, क्योंकि इतना सबके मैनेज करना सबके बस की बात नहीं है। इसमें होता है टोटल 60 कार्बन, कैसे होता है तो आप देखे होंगे कि इस टाइप का कुछ रहता है स्ट्रक्चर हर एक फुटबॉल में बना हुआ, है ना, इस टाइप का स्ट्रक्चर आप देखोगे हर एक फुटबॉल में बना होता है, इसी से मिलकर पूरा फुटबॉल बना होता है। तो वही है, एक कार्बन यहां होता है, एक 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 यहां होता है, छह छह कार्बन मिलकर यहां पे छह कार्बन से मिलकर ये बना हुआ है। इसी टाइप से टोटल फुटबॉल जो है वो 60 कार्बन से मिलकर बना होता है, ठीक है, समझ रहे बात को, अच्छी बात है। नेक्स्ट है इट इज अ डार्क सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ये जो होता है डार्क सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, याद रखियो डार्क सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे। थर्ड है हमारा कि अगर आप डायमंड को देखो तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली हार्ड होता है, अगर आप ग्रेफाइट को देखो तो वो सॉफ्ट होता है, ठीक है, और उसी के बेसिस पे अगर बकमिंस्टर फ्लोरीन को क्लासिफाइड करें तो ये ना तो ज्यादा हार्ड होता है और ना ही ज्यादा सॉफ्ट होता है, ये मिडल में आता है, मॉडरेट रहता है, ठीक है। तो ये थे बकमिंस्टर फ्लोरीन के बारे में कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं कुछ और इंपोर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डेट इज आइसोमर। आइसोमर क्या होता है, द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर नॉन एज आइसोमर, ठीक है, यानी कि एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला होगा बट डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होंगे उसको हम लोग बोलते हैं आइसोमर। जैसे आइसोमर ऑफ पेंटेन, पेंटेन और हेक्सेन के ज्यादातर पूछे जाते हैं, हालांकि इस बार जो एग्जामिनेशन में आया था वो इन का आ गया था, यानी कि आपसे पेंटीन का पूछ दिया था, है ना, डबल बॉन्ड ई एन ई,
एनई के प्लेस पे ईएनई वाला पूछ दिया था। हालांकि वो बाय मिस्टेक दे दिया था क्योंकि हम लोग का सेकेंड बॉन्ड जो है डबल बॉन्ड जो है उसका हमें पढ़ना नहीं है, हमारे सिलेबस में है नहीं। ठीक है, तो आप टेंशन नहीं लो, मे बी वो नहीं आएगा। ठीक है, आइसोमर ऑफ पेंटेन देखते हैं। एक तो हमारा नॉर्मल पेंटेन होता है, 1, 2, 3, 4 और एक हो गया 5। ये हो गया नॉर्मल पेंटेन। पेंटेन का फॉर्मूला लिखना चाहो तो होता है 6, 5, 8, 12। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन आप बैठा सकते हो, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, सब हाइड्रोजन है आपके, काउंट कर लोगे इतना आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर जिसका फॉर्मूला होता है C5H12। दूसरा हमारे पास स्ट्रक्चर है 1, 2, 3, 4। ठीक है, 1, 2, 3, 4 और यहां पे हमने लिख लिया कार्बन। ठीक है, काउंट करोगे 1, 2, 3, 1, 2, 3 पहले से बॉन्ड बनाया है, 4, फिर 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 हो गया और इसका 1, 2, 3 काउंट कर लो, 3, 6, 9, 2, 11 और 1, 12। सेम है स्ट्रक्चर अलग है, कार्बन यहां गया है, ये स्ट्रेट चेन में था, ये ब्रांच्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। एक और स्ट्रक्चर होता है इसका, आइए उसको भी देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 है ना, 2, 2, 4, 1, 5। ठीक है, ये 5 कार्बन का फॉर्मेशन किया, फॉर्मूला होना चाहिए C5H12। देखिए कार्बन हाइड्रोजन काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यानी कि टोटल कितने हैं, 12 हाइड्रोजन है। आप हाइड्रोजन बैठा सकते हो, ठीक है, ऐसे ऐसा ना सोचियो कि केवल ऐसे ही बनाकर आ जाइयो, ठीक है, ऐसा नहीं करो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टाइम हमारा बहुत ज्यादा स्पेंड हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बना रहा हूं, बाकी आप हाइड्रोजन ऐसे भर सकते हो। ठीक है, तो तीनों का क्या है कि फॉर्मूला सेम है, मॉलिकुलर फॉर्मूला सबका सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर जो हमें दिख रहा है वो अलग अलग स्ट्रक्चर है, जिसके कारण इसको हम लोग आइसोमर बोलते हैं। ठीक है, एक और हमारा जो पूछा जाता है, दैट इज आइसोमर ऑफ हेक्सेन। ठीक है, आइसोमर ऑफ हेक्सेन, हेक्सेन के आइसोमर बताइए, तो आइए चलिए उसको भी बताते हैं, आइसोमर के हेक्सेन कितने हैं। तो सबसे पहला तो एक स्ट्रेट चेन होगा, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसका फॉर्मूला क्या होगा, लिख देते हैं C6H14। ठीक है, हेक्सेन का है, काउंट कर लोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ठीक है, इसी टाइप से आप काउंट कर लोगे नेक्स्ट वाले का भी, 2, 3, 4, 5। ठीक है, यहां पे हमारा एक हो गया 6, ये क्या हो गया, ब्रांच्ड चेन आइसोमर। ठीक है, ये हो गया 1, 2, फिर उसी टाइप से आप इसको ऐसे बना सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, एक यहां पे हो गया। नाम देखना चाहते हो क्या, नाम भी देखना चाहते हो, हालांकि मतलब इसका जो आईयूपीएसी नेम है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसका नाम है एन हेक्सेन, इसका नाम है एन पेंटेन, इसका नाम है 2-मिथाइल ब्यूटेन, इसका नाम है आपका 2-2-डाइमिथाइल प्रोपेन। ठीक है, यहां पे आपका हो गया एन हेक्सेन, ठीक है, यहां पे आपका हो गया 2-मिथाइल पेंटेन, ये हो गया 3-मिथाइल पेंटेन। ठीक है, समझ रहे हो बात को, अच्छी बात है, सबका देखोगे तो आपका हाइड्रोजन सेम होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 1, 2, 3 और 1 यहां हो गया 14। ठीक है, उसी टाइप से इसका भी काउंट कर लोगे, बस यही चीज यहां पे आ गया है। ठीक है, समझ रहे हो बात को, अच्छी बात है, फिर आइए और स्ट्रक्चर देखते, थोड़ा इसको ऊपर मैं कर देता हूं, हाँ अच्छी बात है। फिर क्या होता है, 1, 2, 3, 4। ठीक है, 4 हमने बना दिया, उसके बाद एक यहां हो जाएगा और एक आपका यहां हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स देख सकते हो। एक और आपका स्ट्रक्चर होगा 1, 2, 3, 4। ठीक है, 1, 2, 3, 4 और एक हो गया 5 और एक हो गया 6। ठीक है, इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे। यहां पर भी काउंट कर लो, हाइड्रोजन कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, 7, 8, 9, फिर है 10, 11, 12, 13, 14। ठीक है, 14, ठीक है, अच्छी बात है, इसमें काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, यहाँ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। यानी कि ये सारे के सारे जो है वो आइसोमर ऑफ हेक्सेन है। ठीक है, तो आई होप कि सारा का सारा पार्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से और क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसका सॉल्यूशन किया है।
ठीक है। आइसोमर वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, ज्यादातर आपसे जो पूछा जाता है वो आइसोमर ऑफ पेंटेन और आइसोमर ऑफ हेक्सेन आपसे पूछा जाता है, क्योंकि अभी तक आपके सिलेबस में हेक्सेन तक ही आपको बताया गया है। आगे जो होता है हम लोग का वो होता है सेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, ठीक है, अनडेकेन, डूडेकेन, वो सारा का सारा अभी हमें नहीं पढ़ना, वो हमें इलेवेंथ पे पढ़ना है, तो वहां पे हम लोग अच्छे से डिटेल फॉर्म में वहां पे पढ़ेंगे, ठीक है, अच्छी बात है। अब यहीं से जुड़ता अगर एक क्वेश्चन आपसे आ गया कि व्हाट इज आइसोमरिज्म, ठीक है, तो कैसे आप लिखोगे, आपको सेम चीज लिखना है, द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर नोन एज द आइसोमर्स एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोमरिज्म, ठीक है, समझ रहे बात को, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट हम लोग फर्दर स्लाइड पर मूव करते हैं और कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा दैट इज होमोलोगस सीरीज, ठीक है। होमोलोगस सीरीज क्या होता है, अ होमोलोगस सीरीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज इन विच द सक्सेसिव कंपाउंड डिफर बाय CH2 ग्रुप, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कि 24 यूनिट मतलब 24 यूनिट मास, ठीक है, इसके बेसिस पे ये कहना चाहता है, ठीक है। देखिए क्या है, जैसे अगर हमने एक एल्केन का एग्जांपल लिया है, एल्कीन का लिया है और एल्काइन्स का लिया है, एल्कीन में देखें तो CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12 सब जो है वो डिफर कर रहे हैं, देखिए एक कार्बन ज्यादा है, दो हाइड्रोजन ज्यादा है, यानी कि CH2 से सब डिफर कर रहे हैं। अगर आप इसमें देखो तो C2H4 है, यहाँ पे आपका C3H6 है, तो ये कितने से डिफर कर रहा है, CH2 से, ये भी एक कार्बन ज्यादा दो हाइड्रोजन ज्यादा, एक कार्बन ज्यादा दो हाइड्रोजन ज्यादा, यानी कि सब CH2 से डिफर कर रहे हैं, सेम केस इधर भी CH2 से डिफर कर रहा है, तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन्स के बीच में ये आपका डिफरेंस है, जिसे आपको याद कर लेना है, ठीक है, और इसे हम लोग बोलते हैं होमोलोगस सीरीज, समझ में आया। साथ ही साथ अगर इसका मास देखो, क्यों हम लोग बोल रहे हैं 14 यूनिट, कार्बन का मास कितना होता है 12 और एक हाइड्रोजन का 1, तो दो हाइड्रोजन का 2, तो 12 + 2 14 यूनिट मास से डिफर करेगा हर एक हम लोग का क्या है सब्सटेंस, ठीक है, तो कोई इशू नहीं लेना है आप लोग को। आई होप कि ये पार्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। फर्दर मूव करें नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे, नेक्स्ट है हमारा दैट इज हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इसमें बहुत सारे पार्ट नहीं आ रहे, जैसे फंक्शनल ग्रुप वाले पार्ट जो अल्कोहल है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, हाइलोएल्केन है, एल्डिहाइड है, ये सारे वाले पार्ट जो है वो नहीं आ रहे हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना, बस मैं आपको यहाँ पे छोटा छोटा सा बात बता दे रहा हूं, इसको आप ध्यान रखोगे, ठीक है। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, कंपाउंड जिसके पास कार्बन और हाइड्रोजन केवल होता है। अब हाइड्रोकार्बन को दो पार्ट में हम लोग कैटेगराइज करते हैं, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड वैसा कार्बन कंपाउंड होता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में या सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। हालांकि ये जो इधर था ये इधर नहीं होगा यार, गजब टोपी बाज आदमी है, पहले लिखकर और फिर मिटा देते हैं, ठीक है। ये आएगा एल्कीन और एल्काइन्स इधर आएगा, ठीक है, हो गई मिस्टेक हमसे, हो जाती है, ठीक है, बट हमने टांग रखते सुधार लिया, ठीक है। ये देखिए अनसैचुरेटेड में एल्कीन और एल्काइन आएगा, सैचुरेटेड उसको बोलता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर दैट हाइड्रोकार्बन्स इन विच कार्बन कार्बन इज लिंक्ड विद द सिंगल बॉन्ड, ठीक है, और इसमें होगा हमारा या तो डबल बॉन्ड से लिंक्ड होंगे या फिर ट्रिपल बॉन्ड से लिंक्ड होंगे। जब सिंगल बॉन्ड से लिंक्ड होंगे तो उसे ANE बोलेंगे, जब डबल बॉन्ड से लिंक्ड होंगे तो उसे ENE बोलेंगे, और जब ट्रिपल बॉन्ड से लिंक्ड होंगे YNE हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है लिखने का, तो होता है CnH2n+2, ठीक है, याद रखियो CnH2n+2। जैसे एग्जांपल के लिए मिथेन है हमारे पास, मिथेन है, इसके फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है CH4, ठीक है, CH4। अब देखो N का वैल्यू अगर 1 पुट करो, कार्बन कितना है 1 है, तो H का वैल्यू अपने आप निकल जाएगा, कितना N का वैल्यू आपने पुट किया है 1, तो 2 × 1 2 + 2 कितना हो गया 4 आ गया ना, CH4, ये है आपका मिथेन, ठीक है। फिर उसी टाइप से हमारे पास आता है इथेन, इथेन इथेन में कितना, दो कार्बन है, तो 2 × 4 + 2 = 6 यानी कि C2H6, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है एल्केन और एल्किन का, ठीक है। अब एल्किन में आते हैं, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n, याद रखियो CnH2n, इसमें आपका आएगा मिथीन, यहाँ ANE है, बस इसी के प्लेस पे ENE बन जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा मिथीन, हालांकि मिथीन होता नहीं है, सॉरी, इथेन से शुरू होता है, तो ये हो जाता है इथीन। क्यों नहीं होता सर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो एक कार्बन के बीच में, इसमें तो एक ही कार्बन होता है, तो कैसे डबल बॉन्ड होगा, इसीलिए यहां से शुरू होता है, इथीन होता है, प्रोपीन होता है ना, पेंटीन होता है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा उसी बेसिस पे, तो इसका फॉर्मूला होगा CnH2n
H2N-2, ठीक है, इसका हो जाएगा इथाइन, वाई यानी लास्ट में लगा जाएगा, इसमें हो गया मिथेन, इथेन, उसी टाइप से प्रोपेन, ब्यूटेन, लास्ट में ए नहीं लगेगा, फिर पेंटेन, फिर हेक्सेन, इसमें होगा इथीन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, और इसका होगा इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन और हेक्साइन। तो इस टाइप से आईयूपीएसी वाले पार्ट्स जो हैं वो नहीं आ रहे हैं हमारे, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। नेक्स्ट किस वीडियो के ऊपर आप चाहते हैं वन शॉट वीडियो सॉल्यूशन, आप हमें फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता देंगे, ठीक है। और आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा ये भी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक अनदर सॉलिड वीडियो के साथ, एक अनदर वन शॉट वीडियो सॉल्यूशन के साथ। और आपको सभी को ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, एकदम फोड़ कराना है, जैसे आपने मैथ्स में आग लगा कर आई है उसी टाइप से इस बार भी पेपर में आपको आग लगा कराना है, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द लास्ट टाइम।